देखा होगा आपने रामचरित मानस पर मुंह से धनुष बाण चल रहे हैं एक तरफ से, तो दूसरी तरफ से उसका बचाव किया जा रहा है। कोई कह रहा है ये नफरत फैलाती है, एक कह रहे हैं कि इसमें कूड़ा करकट भी है, हीरा मोती भी है, और पक्ष विपक्ष खिंचे पड़े हैं। हम निकले हैं इस समय जानने के लिए कि लोग क्या सोचते हैं। हम इस दौरान आम लोगों से, साधारण लोगों के पास भी जाएंगे, आम लोगों से भी मिलेंगे और पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं, और जो जानकार हैं रामचरितमानस के उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं। चलिए चलते हैं, तो पूछूंगा। आपने रामचरितमानस के बारे में सुना है? रामायण आपने कभी रामायण पढ़ी है? रामचरितमानस पढ़ा है? देखा है, टीवी में पढ़ा नहीं है। क्या लगा आपको, वो बांटता है, नफरत फैलाता है, या फिर उसमें कूड़ा करकट है? नहीं नहीं, सब अच्छा है, अपना धार्मिक ग्रंथ है, अच्छा है। अच्छा है, हाँ जी। अगर कोई बोल रहा है कि वो नफरत फैलाता है तो आप इसको नहीं, मानते नहीं, नहीं नहीं नहीं। आपने रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं। उसके अंदर क्या लिखा है कुछ पता है, या क्या बताया गया है, कुछ सुना, कहीं देखा कुछ ऐसा? नहीं, भगवत गीता वगैरह पढ़ी है, रामचरितमानस नहीं पढ़ी है। नहीं पढ़ी है? नहीं। तो उनके कैरेक्टर वगैरह कुछ नहीं? वो रामचरितमानस में बताया क्या गया है? रामचरित एज द नेम सजेस्ट, मेरे ख्याल से राम जी के बारे में ही होगा, बट बहुत डिटेल में मेरे को नहीं पता है। मैंने मेनली भगवत गीता ही पढ़ी, उसके अलावा कोई ऐसा नहीं पढ़ा मैंने। क्या नाम आपका? सार्थक। सार्थक, हाँ जी। जी पीछे कौन आप? मेरे पापा, मेरे बेटा। आप पापा हैं? पापा से पूछता हूँ, उन्होंने पढ़ी होगी जी। आपने रामचरितमानस पढ़ी या सुनी? पढ़ी भी है। पढ़ी भी है? हाँ पढ़ी भी है, सुनी। क्या है उसके अंदर? भगवान राम का पूरी चरित्र उनका दिखाया गया, पूरी उनकी जीवनी सब कुछ है उसी में। हाँ, भगवान राम का जो कैसे जन्म हुआ, कैसे पूरे जन्म से लेकर के आखिर तक पूरा डिटेल है उनका। एक नेता कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाती है, आपको कभी लगा उसके अंदर? नहीं, कभी जीवन में कभी नहीं, कभी नहीं लगा। नहीं लगा? नहीं, ये सब पॉलिटिक्स है, जो फैलाते सब पॉलिटिक्स है। कोई भी धर्म किसी भी उसका हो, जहाँ जिसको करोड़ों लोग मानने वाले हों, कभी नफरत फैला सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। ये पॉलिटिक्स से जो लोग बक रहे हैं, पागल पागल हैं जो बक रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं बिल्कुल, एकदम जरा सा भी ज्ञान नहीं है। एक दूसरे नेता वो कह रहे हैं कि इसमें कूड़ा करकट भी है, हीरा मोती भी है, तो कूड़ा करकट भी है क्या इसमें? मैं बताता हूँ, करोड़ों आदमियों जिसको आज से ये रामायण कल लिखी गई, उसमें कोई अच्छी चीज़ आपके जो आपको जो लगी, जो अच्छी लगी? उसमें बहुत अच्छी लगी कि जो राम का चरित्र उसमें जो है, और उसके बाद जो उनके दशरथ का चरित्र है, वो दोनों ही एक ऐसी चीज़ें हैं जो जीवन में अगर आदमी उतार ले तो उसका जीवन सफल हो जाए। बिल्कुल। राम का चरित्र मतलब अच्छा बेटा। हाँ और क्या। हाँ, ये इधर सामने आपके बैठे बैठे हैं, सार्थक नाम है इनका, भी बताया इन्होंने। हाँ जी जी। आपको पता नहीं अच्छा बेटा कैसे बनना है, ये इनको बताओ कैसे बने। हाँ पता चल जाएगा, अभी एक्सपीरियंस हो रहा है, अभी 24 साल की एज है वैसे। ठीक है बेटा, सही लाइन पे, कोई ऐसी बात नहीं। सही लाइन पे। हाँ, आप चूँकि आजकल देखिए ऐसा ना, जॉब हम इतना बेटे बिजी रहते हैं, जाके पढ़ना चाहिए। पढ़ना? हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए, जिंदगी में बोल रहे हैं पढ़ना चाहिए, आप बताओ। हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहिए। पढ़ोगे? हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट तो है मुझे, तभी मैंने बाकी भी पढ़े हैं। बट सिर्फ रामचरितमानस नहीं, सारे ग्रंथ पढ़ डालो। हाँ, दुनिया बिल्कुल, जितनी बिल्कुल, जितनी भी हैं, सारे धर्मों के ग्रंथ पढ़ डालो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हाँ, कुछ ना कुछ अच्छी तो मिलेगा उसमें। समरी सबकी एक ही होती है, एक जैसे। हाँ, ही होती है, पॉजिटिविटी है सब में। तो पढ़ूंगा। उन्होंने कहा कि राम का चरित्र ऐसा है कि वो अच्छा पुत्र बेटा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई नई पीढ़ी क्यों पढ़ नहीं रही है, जॉब वॉब के चक्कर में लगी बस। हाँ बस ये चक्कर है, लाइफ इतनी इन लोगों की झंझावाद हो गई है कि वक्त नहीं। हालांकि पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप चाहे जितना आप डेवलपमेंट कर लें, कुछ करें, सुपर नेचुरल पावर ईश्वर में अगर आपका भरोसा नहीं है, अगर भगवान पर आप भरोसा नहीं है, किसी भी धर्म को आप मानने वाले हैं, तो आप बिल्कुल बेवकूफ़ आदमी हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं ही नहीं सुपर नेचुरल, ये क्या है सब। अगर नहीं है तो बहुत से अगर नहीं है तो उनके अनुसार बारिश हो जाए, उनके अनुसार हवा चले, उनके अनुसार सब कुछ हो, तो हम मान जाए भगवान नहीं। सही बात। क्या नाम है आपका? जीएस निगम। इतना डेवलपमेंट आपने कर लिया, देखिए आज भी एक प्लेन क्रैश हो गया है, रोक लेते तो हम जानते भगवान नहीं है दुनिया में। सुपर नेचुरल पावर जिस दिन ये सब वो बोलते हैं, विज्ञान को मानते हैं हम, भगवान को नहीं। तो हम कब विज्ञान को नहीं मानते हैं? विज्ञानी तो माने, जो जहाज चल रहा विज्ञानी तो चला रहा है, लेकिन जब वो गिरता है तो विज्ञान नहीं रोक लगता, रोक लेता उसको। ये भी तो है, जिस दिन सुपर नेचुरल पावर को अपने कब्जे में कर लेंगे, उस दिन हम भी मान जाएंगे भगवान नहीं है। लेकिन हैं, चाहे जितने बांध बना ले, चाहे एक झटके में सब बराबर कर देते हैं वो। हम ये थोड़ी करें कि हम डेवलपमेंट के खिलाफ हैं, किसी चीज़ के खिलाफ, खूब डेवलपमेंट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन आप ये कह दें कि मैं ही सब कुछ हूँ, दुनिया में भगवान कुछ है ही नहीं, या कोई हिंदू ये कह दे कि हमारे साथ हवा चलेगी, मुसलमान कह दे हम रोक देंगे उसको, तो हम मान जाएंगे आप सुपीरियर हो। सब इक्वल हैं,
सब इक्वल हैं। वैसे किताबों में यही लिखा है, सब एक हैं। ये जो लोग कहते और जितने भी धर्म का सार है वो भी यही है, सनातन धर्म का सार इन्होंने बताया कि सब एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात जायसवाल। क्या करते हैं आप? मैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में काम कर रहा हूँ, 30-34 साल हो गए, और रामायण परिवार से, रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं। आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं रामायण में? आजकल बड़ा इन्वेस्टिगेशन का विषय बना दिया है लोगों ने रामायण को, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नफरत फैलाती है। एक नेता तो कह रहे हैं कि इसके अंदर कूड़ा करकट भी है, हालांकि हीरा मोती ये भी बोला उन्होंने, लेकिन वो कूड़ा करकट भी बोल रहे हैं। क्या विचार हैं आपके? राजनीति से प्रेरित मैसेज है ये सारा। भगवान रामचंद्र जी जिस काम के लिए अयोध्या में जन्मे और 14 साल का वनवास भोग करके राक्षसों का नाश किए, वही राक्षस रूपी कुछ नेता आज की डेट में बच गए हैं जो इधर उधर मनगढ़ंत कहानी कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतनी सुंदर तरीके से व्याख्या की है रामचरितमानस की, अगर कहीं इसको हम अपने आचरण में उतार लें तो किसी का भी कोई भी रुका हुआ काम अपने आप पूरा हो जाएगा। वो बोलते हैं बांट रहे हैं राम, इसमें ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं कि जातियों को बांटना है। जाति तो लोगों ने बना रखी है, अदरवाइज़ तो हिंदुस्तान की एक ही जाति है, इंसानियत की। हिंदू हैं हम, हिंदुस्तान हमारा। और तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की जो रचना की है वो हनुमान जी के निर्देश पे किया हुआ है। हनुमान जी ने उनको इस रामायण के बारे में बताते गए और वो इसको हाँ कलमबद्ध करते गए। क्या सिखाता है, क्या वो नेताओं को भी आप क्या बोलना चाहेंगे? नेताओं को बोलने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नेता अपनी लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उनको चाहिए कहीं हिंदुओं के वोट तो हिंदू के रूप में बोलेंगे, कहीं मुस्लिमों के वोट चाहिए तो वो मुस्लिम के बारे में बोलेंगे। मुझे पता है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मेरे पास तो हर धर्म के लोग आते हैं और हर वर्ग से लोग आते हैं जो किसी ना किसी तरीके से करप्शन में इन्वॉल्व हैं या गलत काम कर रहे हैं। कुछ एक्यूज़ हैं हमारे केसेस में, अच्छे अच्छे लोगों को भी एक्यूज़ बना दिया राजनीति से प्रेरित होकर के, तो वो सब हम देखते हैं। लगता है कि हमें इन्वेस्टिगेशन में इनको बचाना है तो हम उनको बचाते भी हैं, अगर कुछ एविडेंस उनके अगेंस्ट मिलता है तो फंसाते भी हैं। ये नहीं कि हम किसी का पक्ष लेते हैं। अगर मेरे पास में हिंदू अगर कहीं मुलजिम बन करके आया हुआ है तो मैं हिंदू को भी फंसाता हूँ। पर जब भी मैं कोई इन्वेस्टिगेशन का शुरुआत करता हूँ तो एक बार ध्यान करता हूँ हनुमान जी का, रामचंद्र जी का, क्योंकि हमारे ये भगवान राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मर्यादित रूप से अगर कहीं आप काम करेंगे, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे अपने घर का मैनेजमेंट हो, या पब्लिक प्लेस में कोई और चीज़ करना है। कैसे सीखते हैं उससे? बहुत सारी चीज़ें हैं। तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊं, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्रगत, राम भरोसे एक। मीन्स विद्या से, विनय से, विवेक से, दिमाग से भी काम लेना है, साहस से। ये नहीं कि आप डर करके काम कर रहे हैं कि भाई क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मुझे अंदर करवा देंगे। नहीं, जो भी काम करें साहस से करें। एक डिसीजन लें आप कि मैं क्या करना चाहता हूँ, समाज की भलाई के लिए क्या कर रहा हूँ, चाहे इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या कर रहा हूँ। विवेक का ध्यान रखें, अपने आप को भले कर्मों में डालें। ये सारा है। तुलसीदास जी ने तो एक एक चीज लिखी हुई है। आपने रामचरितमानस या रामायण के बारे में सुना है? हाँ, पढ़ी है। पढ़ा तो नहीं है लेकिन हाँ सुना है। क्या सुना है, उसमें क्या है? रामायण में राम सीता के बारे पूरा जीवनी सारा कुछ। हाँ। एक नेता कह रहे हैं वो नफरत फैलाती है। नहीं, ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं, नफरत वाली बात ही नहीं है। ये तो बहुत हमारा धार्मिक, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग तो बहुत फॉलो करते हैं और काफ़ी अच्छा चीज़ है। और जो भी रामायण या रामचरितमानस पढ़ता है वो बहुत अच्छा है। मतलब किसी का मन भी अशांत पढ़ ले तो कुछ समय के लिए तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हम लोग को लगता है कि भगवान के पास है और कुछ भी परेशानी हमारी दूर होती है।
पर वो बोल रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं कूड़ा करकट भी है इसमें और हीरा मोती भी है। देखिए तो वो तो पढ़ने से होगा, वैसे आपने पढ़ा नहीं तो ऐसा। वैसे हम ज्यादातर लोग हमने देखा, हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने पढ़ा नहीं है। मैं अभी पढ़ी नहीं हूँ, बट मैं हमारे यहाँ जैसे मदर इन लॉ ने पढ़ा, सब लोगों ने पढ़ा, तो अच्छा चीज है। हाँ हाँ, बहुत। कूड़ा करकट भी है क्या? नहीं, मुझे तो अभी तक नहीं पता चला, अभी तक नहीं पता लगा कि कूड़ा करकट है। कौन ऐसा बोल रहा है? बिहार में मंत्री हैं, एक वो बोल रहे हैं वो नफरत फैलाती है, दूसरे नेता बोल रहे हैं कि इसमें कूड़ा करकट भी और हीरा मोती भी है। जाने से क्या होता है? ये तो कोई बात नहीं, कोई किसी के बारे कुछ भी बोलता है ये कोई बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये अपने मन की बात है। अब कोई अच्छा चीज़ को भी कूड़ा करकट बोल दे तो उसका समझ वहीं तक है, ये तो समझ की बात है ना, अपनी अपनी समझ की बात है। और अच्छी बात सोचना चाहिए, क्यों इस तरह का नफरत वाली बात करना? रामचरितमानस के बारे में जिनको नहीं पता है वो सब ऐसी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। रामचरितमानस यदि कूड़ा करकट तब था अब है, तो वर्तमान में अभी महात्मा गांधी जी ने रामराज की परिकल्पना क्यों की थी? भारतीय संविधान में रामराज की ही कल्पना पे वो लिखा गया, उसी पे ये सारे लोग रोटी खा रहे हैं और उसी को कूड़ा करकट बता रहे हैं। क्या अच्छा है थोड़ा सा बताइए ताकि वो समझें इस बात को, फिर या हम भी समझें। आप भी समझिए, वो भी समझें। त्याग और समर्पण जो रामचरितमानस सिखाता है पूरे समाज को, पिता पुत्र का, राजा प्रजा का, मित्र का, और यदि राम राज्य की कल्पना हम आज करें और उसी पे पूरी अवधारणा समाज की चल रही है, करते वही हैं ये कहने के लिए या अलग से अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं जो ये लोग कह रहे हैं जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो ये केवल रामचरितमानस में भी नायक और खलनायक हैं, जो खलनायक की बात है उसको उठा के ये अधूरा लेके चल देते हैं। अच्छा। आधी बात नायक की बात नहीं कहते राम जी की, रामचरितमानस में राम जी की बात करें ना, राम जी ने जहाँ कुछ लिखा कहा हो, तो किसी खलनायक ने कुछ कहा है उसकी बात को लिखे कि रामचरितमानस पूरी रामचरितमानस राम जी ने तो नहीं कही है, उसमें तो नायक के साथ साथ खलनायक का भी रोल है। नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जातियों को बड़ा बांटता है, ये जातियों को बांटना क्या था? राम जी से ज़्यादा जाति का सम्मान कौन करेगा? निषाद राज का परिचय जब भगवान से कि ये हमारे सखा हैं, हमारे मित्र हैं, तो उनके गुरु वशिष्ठ जी ने उनका सम्मान किया, उठ के उनको गले लगाया। उस अब आज ये कह रहे हैं जाति कहाँ से आ गई? रामचरितमानस पढ़ने वाले के पास जाति का बंधन ही नहीं है। वो कह रहे हैं अधम और नीच शब्द भी है और अलग अलग ऐसे कहा गया है। उन्होंने तो एक बोला कि अधम जाति में विद्या पाए और भयं जथा अही दूध पिलाए, इस तरह का वो। इसका मतलब है कि ऐसा हो गया अधम जाति में विद्या पाना जैसे कि जहरीले सांप को दूध पिलाना। आधा अगर आप विधि चौपाई का अर्थ लेके चलेंगे तो जो मर्जी आप निकालिए, पूरा किस प्रसंग में कहा गया है, किसने कहा है, इस विषय पे तो सोचिए। बात ये होती है कि नायक ने क्या कहा और खलनायक ने क्या कहा। तो जब हम नायक की बात करते हैं तो पूरी चौपाई, पूरी रामचरितमानस पढ़ने पे उसकी बात समझ में आती है। जब हम आधी चौपाई का अर्थ अपने हिसाब से लगा के चल दिए, अपना काम शुरू कर दिए और पढ़ते रामचरितमानस, राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। राम राज्य से लोग थोड़ा सा भय खाते हैं, लोग बोलते हैं क्या करना चाहते हैं, राम राज्य लाना क्यों चाहते हैं ये लोग, क्यों लाना चाहते हैं? राम राज्य वो भी लाना चाह रहे हैं जो कह रहे हैं, भारतीय संविधान की ही चर्चा वो कर रहे हैं, उसी की शपथ खाते हैं जिन मंत्रियों की आप बात करते हैं, वो भी राम राज्य की परिकल्पना पे ही। ये क्या है राम राज्य, है क्या? पर राम राज्य सामाजिक रूप से हम सब की, जो जिस योग्य है, जिसको जो मिलना चाहिए, बांट के त्याग से। अभी राम राज्य में यही तो हुआ है कि एक राज्य के लिए दूसरे भाई को छोड़ दिए, नहीं छोड़े महाभारत में, तो महाभारत में क्या हुआ उसका देख लीजिए, और रामचरितमानस में जो हुआ है उसको देख लीजिए। मतलब राम राज्य ये है कि भाई का भाई से प्रेम इतना कि भाई राज त्याग दो। राज छोड़ गया। आपने रामचरितमानस कभी पढ़ी है? नहीं, मैंने कभी पढ़ी नहीं है। कभी नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? वैसे नहीं पढ़ी क्योंकि बस
पढ़ने का मौका नहीं लगा कभी, रामायण देखी है थोड़ी बहुत। रामायण देखी टीवी पे? हाँ जी टीवी पर। देख के क्या समझ आया उसको? देख के समझ आया कि इस समाज में कैसे रहना चाहिए, राम जी की हमें वो करना चाहिए, प्रेरणा सूत्र है हमारे वो, यही समझ। हाँ तो अभी तो नेता लोग बोल रहे हैं कि ये कुछ गड़बड़ करती है, नफरत फैलाती है, ऐसा लगा आपको कभी टीवी देख के उसमें कभी ऐसे दिखाया? हाँ अब इस अब लग तो रहा है थोड़ा बहुत। क्या? कि बहुत ही पोलराइजेशन ज़्यादा हो रहा है। पोलराइजेशन क्यों हो रहा है? राजनीति कर रही, धर्म कर रहा है? नहीं, कर तो राजनीति ही रही है, धर्म तो पहले से ही है। ऐसा है, हर एक की अपनी अपनी विचारधारा और संस्कार, अपनी सोच सबकी अलग अलग है। कौन चुपाई को किस तरह से प्रस्तुत अपने भावों से करता है, ये सबसे बड़ी बात है। उसके संस्कार कैसे हैं, यदि उसके संस्कार धार्मिक हैं तो वो निश्चित रूप से ऐसी व्याख्या करेगा जो सबको सहज रूप से समझ में आ जाएगी। यदि उसके संस्कार अच्छे नहीं हैं, धार्मिक नहीं हैं, तो हो सकता है उसकी व्याख्या दूसरे लोगों को समझ ना आए। आपके हिसाब से रामचरितमानस या तुलसी की रामचरितमानस की बात करें हम, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या प्रभावित करती? सबसे अच्छी चीज़ है भगवान राम ने जो स्वयं कहा है, हर एक को चाहता है भगवान मुझे मिल जाएं, इस जीवन में ये भगवान का दर्शन हो जाए। तो भगवान ने एक पंक्ति में एक उसमें कह दी है चौपाई में, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। जिसको राम जी को कपट छल छिद्र प्रिय नहीं है, जो भी विभीषण जी गए थे उनके दरबार में तो राम जी ने यही कहा कि इनके हृदय में कुछ छल कपट नहीं है, मैं विभीषण जी को अपना लेता हूँ। इसलिए यदि हम प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं तो हमें अपना मन ऐसा बनाना पड़ेगा, छल कपट से रहित बनाना पड़ेगा, तो हमारी भक्ति सार्थक होगी, हमारा उद्देश्य सफल होगा और हमें भगवान का दीदार अवश्य होगा। ये ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। पर वो लोग जो कह रहे हैं कि इसमें कुछ कुछ गड़बड़ है, उनका क्या किया जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि भाई इसमें गड़बड़ है, तो आप उनको क्या जवाब दोगे? उनसे कहेंगे दोबारा विचार करिए, और भी आपसे ऊंचे विद्वान हैं, उनसे संपर्क करिए, अपनी बात को रखिए, उनके विचारधारा को सुनिए, तो आपका स्पष्टीकरण हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो आपने कह दिया, जो व्याख्या आपने कर दी, वही बिल्कुल सर्वोचित है। एक नेता बोल रहे हैं नफरत फैलाती, आपको लगता है नफरत फैलाती? नफरत उनके दिमाग में ऑलरेडी, कोई चीज़ नफरत नहीं फैलाती। जिस आदमी के दिमाग में जितनी गंदगी होगी वो वैसे ही प्रेजेंट करेगा अपने आप को, किसी चीज़ में कोई गंदगी नहीं होती। हम उनके किसी भी धर्म में किसी चीज़ में गलत नहीं लिखा होता, वो हम अपने आप से बनाते हैं और एक दूसरे को टारगेट करते हैं, बस यही है। असल में ये जो चौपाई है ये उत्तरकांड से ली गई है, और उत्तरकांड में काक भुशुंड जी जो कथा सुना रहे हैं रामचरितमानस की, वह अपने जीवन के व्रतों के विषय में बता रहे हैं। रामचरितमानस में शब्द शक्ति का इतना जबरदस्त उपयोग हुआ है कि उसी के माध्यम से हम समझ जाते हैं। तो गोस्वामी जी ने वहाँ शब्द का चयन किया है कि जब मैं छोटी जाति का था तो मेरे में उज्जैन चला गया, और वहाँ जो मेरे गुरु थे वो प्रकांड विद्वान थे और वह ब्राह्मण शरीरधारी थे, उन्होंने मुझे बच्चे की तरह पढ़ाया। अब इसमें यह बात कहाँ से आ गई कि जातियों में वैमनस्यता बांटती है या वो कहीं ना कहीं अलगाव की उस स्थिति उत्पन्न करती है? रामचरितमानस विश्व में, भारत के विद्वान नहीं, विश्व के तमाम विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि जो समन्वयवाद की दृष्टि, जो निराकार और साकार के समन्वय की दृष्टि, शक्ति और शाक्तों की जो उस समय लड़ाई चल रही थी, उस समय आपस में ही सनातन धर्म जो टूट रहा था, उसको यदि एक मंच पर लाने का काम किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से किया है। और वह विराट सोच ऐसी सोच नहीं है मेरा है ये तेरा, नहीं, हमारा सिद्धांत वो उस सनातन धर्म के मानने वाले हैं जो गोस्वामी जी ने जिसको पोषित किया है। अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। तो ये छोटा मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं ना, जो छोटी सोच रखते हैं, उनके लिए मैं और मेरा होता है, लेकिन जिनकी सोच विराट हो जाती है वह लोग पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं। जब विश्व को हम परिवार मानेंगे तो वैमनस्य हम किससे करेंगे? आप हम क्या अपने परिवार में किसी से वैमनस्यता रखना चाहेंगे? हम रखना चाहेंगे सब आनंद से रहें, पूरा परिवार हमारा एक विश्व है, विश्व हमारा एक पूरा परिवार है। तो और तो उसमें अधम जाति में विद्या पाए भयउ जता अहि दूध प्याए में, वो ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु इतने अच्छे थे
कि मैं छोटी जाति का होने के बाद भी वो ब्राह्मण थे और वेदोक्त विधि से भगवान शंकर की पूजा करते थे, मुझे उन्होंने अपना शिष्य धारण किया, मुझे अपने बच्चे की तरह प्यार किया, मुझे अपने बच्चे की तरह शिक्षा ली दी, और उसके बावजूद मेरा जो व्यवहार रहा, प्रत्युत्तर में मेरा जो व्यवहार रहा, वो मेरा व्यवहार से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसका अर्थ कपट रखते थे ऐसा हमने सुना है। वो गुरु से कपट रखते थे क्योंकि वो चाहते थे सेवाओं में कपट समेता, मैं अपने गुरु की सेवा कपट के साथ करता था, मन से नहीं करता था, दिखलाता तो था कि मैं सेवा कर रहा हूँ, यद्यपि मैं सेवा नहीं कर रहा था मन से, लेकिन उसके बावजूद भी जो मेरे वो ब्राह्मण गुरु थे, जो मेरे विद्वान गुरु थे, उन्होंने मुझे उसके बावजूद भी मुझे उन्होंने अपने बच्चे की तरह पढ़ाया, और मैंने जो प्रत्युपकार किया, मैंने जो उनके इतने अच्छे और सुंदर व्यवहार के लिए जो मैंने उन्हें दिया, मुझे ऐसे लगता है कि अधम जात में विद्या पाए, भयउ जथा अहि दूध पिलाए, उन्होंने तो मुझे बहुत प्रेम दिया था, लेकिन मैं उपमा उन्होंने स्वयं को दिया, अपने आप को दिया है। रामायण के बारे में सुना है? हाँ सुना तो है। ये क्या सिखाती है, क्या ये नफरत फैलाती है, ऐसा आपको लगा कभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, क्या लगा आपको, क्या करती है ये? देखो वो तो अच्छी बात ही बताएगी, रामचरितमानस अच्छे अच्छे हैं तो अच्छी बात बताएंगे, उसमें क्या है, उसमें तो ऐसा नहीं है कि गलतफहमी, तो इंसान अपने आप ही पालता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम भगवान के मंदिर में आए तो वो गलत बातें बताते हैं या गलत वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा ही है सर। पुराणों में और रामचरितमानस गीता आदि जो ग्रंथ हैं हमारे, जिनको जिनके ऊपर आज हमारी संस्कृति और हमारा सब व्यवहार टिका हुआ है, उन सब में जो भी प्रश्न या जो भी बात कही गई है वो देश काल और पात्र तीन चीज़ों को ध्यान में रख के कही गई हैं। जो जिस तरह से रूल बने हुए हैं, ठीक है, आज की तारीख में मैं शुरू से शुरू करता हूँ, ढोल चार पात्र हैं, ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी पांच हैं। पहला ही पात्र देख लीजिए कि ढोल को क्या आप रखे रखे उससे उसका काम ले सकते हैं, बताइए, नहीं ले सकते ना। उससे उसका काम लेने के लिए, मनचाही ध्वनि लेने के लिए या ताल लेने के लिए, स्वर लेने के लिए, उसको कहीं ना कहीं तो बीट करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। गंवार जो है एक अनपढ़ व्यक्ति के लिए कहा गया है, हर एक कॉमन चीज़ नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो अशिक्षित है उसको शिक्षित करने के लिए कौन सा टीचर है, कौन सा घर में माता पिता है, कौन सा गुरु है जो उसको शिक्षित करने के लिए, आज तक ये पाठ याद क्यों नहीं किया, थप्पड़ भी लगा देता है, क्या गलत हो गया सर इसमें बताओ मुझे आप, ठीक है। पशु और गंवार शूद्र, शूद्र एक सेवक का काम है, इसको जाति से जोड़ दिया गया, हमारी वर्ण व्यवस्था चार चीज़ों में बटी हुई है, भगवान ने गीता में बड़ा साफ साफ कहा है कि मैंने जो वर्ण व्यवस्था बनाई है या जो वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ पहले से बनी आ रही है वो लोगों के स्वभाव और कर्म के हिसाब से है, जाति के हिसाब से नहीं है। भगवद गीता का श्लोक इस वक्त मैं नहीं कोट कर पाऊंगा, कोई उठा के देख ले, मैं आपको बाद में बता दूंगा। चतुर्वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्म के हिसाब से है, स्वभाव से है, जाति तो कहीं नाम ही नहीं है। अब किसी से तो आप सेवा कराओगे, जो लोग इसका विरोध करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, वो अपने घर में क्या नौकर को डांटते नहीं है कभी, और डांटते हैं तो उनको विरोध करने का हक नहीं है इस पे, ठीक है। नारी फिर, नारी सुनिए, नारी से पहले एक शब्द है पशु, तो पशु को तो आप बिना उसको हांकने के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन बड़ा सिंपल सा बात है कि सबसे आखिर में पशु के बाद नारी का नाम रखा गोस्वामी जी ने, जो नारी पशुवत आचरण वाली हो उसको कौन सम्मान देगा सर बताओ आप, पशुवत आचरण, मैं उससे बोल रहा हूँ, बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्यों भैया वैश्यालयों के घर में कोई जाता है क्या, आसानी से जाता है कोई सज्जन, अब खुले तो कोई जाता नहीं है, पर उनको मारना तो ठीक नहीं ना, नहीं मारने की तो बात ही नहीं करी है, कौन कह रहा है मारने की बात कही है, ताड़ना, अच्छा ताड़ना मतलब, ताड़ना का मतलब है उन पे नियंत्रण रखना, नियंत्रण की बात है, उनको समझाना, तो मारने की बात कहाँ से आ गई, कहीं लिखा है मारने का, पीटने का कोई शब्द है कहीं, बताइए आप, जो आप कह रहे हैं ताड़ने का मतलब है समझाना, समझाना, शिक्षित करना, शिक्षित करना, नियंत्रण करना, भाई आप अपने आचरण को सुधारो, ये आचरण आपके लिए सम्माननीय नहीं है, पर उसमें ऐसा आता है कि भाई आप पुरुष हैं तो आप क्या सुपर पावर होगा जो इन सब के ऊपर आप कंट्रोल करोगे, बात ही नहीं है। और मैं उदाहरण दे देता हूँ,
गोस्वामी जी ने पुरुष के लिए भी नियम दिए हैं, समाज में रहने के लिए, नारी के लिए भी नियम दिए हैं। अनपढ़ लोग कुछ भी बिना पढ़े ग्रंथ, जो ऐसा ग्रंथ है जिस पे वेदों पे तो लाखों साल से रिसर्च हो रही है, इस पे 500 साल से रिसर्च हो रही है, किसी को अभी तक इसमें संतुष्टि नहीं हो रही। नारी के लिए क्या नियम है और पुरुष के लिए भी क्या नियम है? आप पुरुष की बात क्यों कर रहे हैं? भगवान वाल्मीकि के आश्रम में जब जाते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि हे मुनिदेव, मैं आपको पता ही है आप त्रिकाल लगे हो, मैं इस जिस कार्य से आया हूँ और मुझे कुछ दिन तो विश्राम करना ही पड़ेगा, तो मैं हर वक्त चलता भी नहीं रहूँगा लंबा। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ स्थान बता दीजिए, तो गोस्वामी जी ने 14 स्थान बताए। आप कोई भी मानस उठा के देख लीजिए, 130 दोहे से पहले पहले बाल अयोध्या कांड के 3-4 दोहे पहले होगा, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है। वाल्मीकि जी ने एक आश्रम कौन सा बताया? जननी सम जान नहीं पर नारी, दूसरी धुन पर आप बिसते बिसवारी, अपनी जननी जो सिर्फ जननी है, पराई नारी जननी के समान, और जननी एक ही होती है विश्व में आदमी के जीवन में, मतलब दूसरी जितनी भी महिलाएं हैं वो माँ जैसी हैं। माँ मैं कहता हूँ, माँ अलग शब्द है, माँ का मैं हम किसी को भी माता जी बोल देंगे, लेकिन जननी मेरी एक ही रहेगी, जिसने मुझे जन्म दिया है वो जननी है। तो गोस्वामी जी ने नारी को इतना सम्मान दिया कि पराई नारी को आप अपनी जननी, अपनी माँ के समान समझो। अब इस पे भी लोग करते हैं, अब बाली को जब बाली का प्रसंग आता है सुग्रीव और बाली का, तो उनका कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, आपने मुझे किस अपराध में मारा महाराज बता तो दो। तो कहा तुझे घर में कैसे रहना चाहिए, तुझे इसकी शिक्षा नहीं है, तू होगा बलि होगा, तेरे में बहुत सारे वरदान तेरे ले रखे हैं। क्या 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 बताया उन्होंने कि वो कहते हैं कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या सम एचारी, मतलब कि अनुज वधु आपके आपके छोटे भाई की पत्नी, भगिनी पुत्र की वधु और कन्या, ये चारों घर में समान दृष्टि से देखी जानी चाहिए, और जो इनको गलत दृष्टि से देखता है ताए बधे कछु पाप न हुए, वो दंड का अधिकारी है ही है। तो पुरुष के लिए नियम बता दिए, तो पुरुष कहाँ से सुपर लोग वध का अर्थ कुछ और लगाते हैं, वध के कई पर्यायवाची भी हो सकते हैं। वध के अर्थ तो ये हैं कि जो तेरे पे अहंकार है, जो तेने अभिमान का अहंकार का वध करना, और जो तेने गलत फहमियां डाल रखी हैं, जो तेने गलत रूल अडॉप्ट कर रखे हैं, वो तो पहले तो तू मेंटली तो अपने आप को संभाल, फिजिकली तो अपने आप हो जाएगा। मानस क्या है? आदमी से बहुत बड़ा मानस है, मानस उसके अंदर है, उसकी सोच है, उसका विचार है, तो उसके लिए हम कार्य करें, ना कि अपने आप को ऊपर उठाने के लिए या अपनी जो एक उसके लक्ष्य हैं, वांछित लक्ष्य हैं, छोटी सोच के कारण कि मैं मंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, कल को राष्ट्रपति बन जाऊं। नहीं, आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो लोग जो बयान दे रहे हैं वो इसलिए कि उनकी राजनीति चमकाना है, इसलिए वो कर रहे हैं वो? बिल्कुल बिल्कुल, सत्य अक्षरशः सत्य है ये बात, क्योंकि सच्चाई जो है छुपती नहीं, दो दिन आगे पीछे सबको पता लग जाएगा, उन चीज़ों का भी पता आएगा, वो भी सब बाहर आएंगी। सत्य क्या अच्छा है इसमें, क्या अच्छा है रामचरितमानस में, क्या अच्छा है? देखिए रामचरितमानस में सबसे बड़ा जो ब्रह्म ज्ञान मैं कहूँगा उसको, कि ब्रह्म ज्ञान ये है कि जिस किसी ने हमें, उस शक्ति ने जो पैदा किया है, उस शक्ति का और मेरा मिलन कैसे हो, वो चीज़ हमें सिखाती है कि वो मिलन जो है वो भक्ति से होगा, परोपकार से होगा, समाज में अच्छाई से होगा, बुराई को काटने से होगा, यही सब हमें मानस सिखाता है। रामचंद्र जी हमारे लिए सबसे बड़े मॉनिटर भी हैं, अध्यापक भी हैं, वो पिता भी हैं, वो गुरु भी हैं, वो प्रबंधक भी हैं, वो शासक भी हैं, कितने रूप में उनके गिनाऊं। समाज को यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी रूप हैं, चाहे वो पक्षी के रूप में है, चाहे वो वानर के रूप में है, या पक्षी के रूप में है, या पेड़ पौधों के रूप में है, या लताओं के रूप में है, उन सब का उन्होंने सम्मान किया, उनको यथोचित आदर दिया। तो यही सीख हमें मानस से मिलती है, मतलब सभी का कि सभी का बिल्कुल समाहित करके, उसको मैं अलग ना समझूं कि मैं आदमी हूँ, या ये पशु है ये हीन है, या पेड़ है ये ठूंठ है। ठूंठ की मेरी भावना होगी तो मुझे ठूंठ दिखाई देगा, और मुझे उसमें फल की अगर मेरी भावना है, परोपकार की मेरी भावना है, तो वो छाया भी दे रहा है, मुझे फल भी दे रहा है, मैं उन चीज़ों को देखूंगा।
तो यही चीज़ हमें मानस जो है वो सिखा रही है कि इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ जो है वो उस परमपिता परमात्मा की एक अनुकृति है, अद्भुत अनुकृति है। हमें उन सब का समायोजन करते हुए और उन सब का सम्मान करते हुए समाज मतलब को छोटी बड़ी नहीं आप नहीं, नहीं, कोई छोटी बड़ी कोई कोई कोई, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई है। नीच अधम ये नहीं, सब नहीं, अरे ये तो बहुत दूर की बात है। नीच अधम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। नीच और अधम तो एक एक तुलना है, तुलना हम कर रहे हैं दो परिस्थितियों की। शब्द कोई नहीं है, इनकी परिभाषा कोई नहीं है। अच्छा बुरा, सुख दुख, यस अपयस, ये सब दो परिस्थितियाँ हैं। एक चीज़ आपके लिए अच्छी है, मेरे लिए खराब है। एक जेब कतरा जेब काटता है वो तो खुश होगा, मैं दुख मनाऊंगा। परिस्थिति तो एक ही है, तो वो देखने का नजरिया है हमारा। मानस हमें यही सिखा रहा है कि कोई भी चीज़ तुच्छ नहीं है, कोई भी चीज़ खराब नहीं है। वो हमारा नज़रिया, हमारी सोच जो है, जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक हम उस राम राज्य की केवल कल्पना ही करते रहे। तो आपने सुना कि लोग क्या कहते हैं रामचरित मानस के बारे में। कुछ कहते हैं कि जीवन जीने की कला सिखाती, कुछ कहते हैं मैनेजमेंट सिखाती, कुछ कहते हैं कि सामाजिक समरसता सिखाती और आदर्श प्रस्तुत करते हैं। अब आप समझिए कि किस तरह से मंत्री जी के बयान को रामचरित मानस से जोड़कर देखा जाए, आपके ऊपर।